नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चले बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के एनएच 28 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती हुई कार पटकापुर गांव के आसपास आग का गोला बन गई है। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में सवार लोगों ने कार से कूद कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची एनएचआई की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, कार में चलते समय अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। कार में सवार लोग विक्रम ज्योत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दवा विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर रविवार को दिन में 11 बजे कान्हा हवेली में दवा व्यापारियों को महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों के संगठन के पदाधिकारी गण गाजीपुर की कान्हा हवेली में उपस्थित रहे, जिसमें दवा विक्रेताओं की समस्याओं को विस्तृत चर्चा की गई है तथा दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्थान ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश को संबोधित किया है। जाने पर रविवार को गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल व प्रदेश के चेयरमैन राणा चावला का स्वागत समारोह का कार्यक्रम कान्हा हवेली में रखा गया है। अपने जनपद के सभी दवाई व्यापारियों को उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं की सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तैयार रहूंगा। दवा विक्रेताओं की किसी भी सूरत में उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। दवा व्यापारियों को संबोधित करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने कहा कि दवा कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल की समस्या दवा व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गई है। ई फार्मेसी दवा कारोबारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऑनलाइन बिक्री का प्रभाव आम जनमानस से गलत तरीके से पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे प्रदेश में जो है इस तरह की एक तरह से अलग जगा रहे हैं कि ये ऑनलाइन मेडिसिन का व्यापार जो फल फूल रहा है ये बंद होना चाहिए। इसकी वजह से समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं और हमारे व्यापारी भी बहुत नुकसान उठा रहे हैं। समाज में लोग नशे के आदि हो रहे हैं, लोगों को नशे की दवाएं आसानी से मिल रही हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बंद होना चाहिए, जो गैर कानूनी है। तमाम हाई कोर्टों ने ये भी इसके ऊपर रोक भी लगा रखी है। ड्रग एक्ट में कोई प्राविधान नहीं है, उसके बाद भी सरकार की उदासीनता की वजह से ये काम चल रहा है। दूसरा ये है कि जैसे अभी बात हुई कि इथिकल और जेनरिक की, तो दवाएं हैं, वो चाहे इथिकल हो चाहे जेनरिक हो, एक ही दवा है, एक ही दवाओं के दो प्रकार के रेट क्यों हैं? हम तो प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सारी दवाओं का दाम जनरल दवाई के बराबर कर दी जाए, जेनरिक के बराबर, हम भी सस्ते में बेचेंगे। देखा जाए कि अगर किसी भी मेडिसिन की दवा का लाइसेंस दुकान के लिए लाइसेंस मिलता है तो उनका एक क्राइटेरिया बांध दिया जाता है कि उनको इसी राउंड के अंदर जो इनको बेचना है, उसका एक प्रमिसेज है, उसका नक्शा दाखिल होता है। तो ऐसे में जब ऑनलाइन की जब ऑनलाइन दवाएं जो मार्केट में आ रही है तो वो तो उसकी सीमाएं तो अनंत है। तो क्या दोनों के लिए नियमावली एक होनी चाहिए या अलग अलग क्यों आखिर होनी चाहिए? ये तो मैंने कहा कि सरकार की उदासीनता है, ये गलत है। साफ साफ लिखा है कि फार्मासिस्ट की देख रेख में या क्वालिफाइड पर्सन की देख रेख में ये दवाएं परिस्थ को हस्तांतरित होनी चाहिए। तो अभी आपने जैसे ये कहा है कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग से नशे की जो दवाएं हैं वो खुलेआम बिक रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सरकार नशे की दवाओं को मतलब बेचने के लिए मतलब प्रोत्साहित वो कर रही है ऑनलाइन मार्केट को? प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका उत्साहवर्धन तो है ही है, उत्साहित तो कर ही रहे हैं, या हम कहें उनकी उदासीनता है, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो सरकार के लोग की जान। आज जो तमाम जगह जन औषधि केंद्र खुल जाते हैं, किस बेस पे वो फेल हो जाते हैं? वो इस बेस पे फेल हो जा रहे हैं कि डॉक्टर एक तो उनकी दवाओं को लिख नहीं रहे हैं, डॉक्टर को खुद ये नहीं कन्फर्म है कि जो जेनरिक दवा है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका वो असल है कि नकली है, ये डॉक्टर खुद कन्फर्म नहीं है। वो बहुत साफ कहता है कि उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। जेनरिक और इथिकल में मूलतः अंतर क्या है? जेनरिक अब ये मैं भी आपको नहीं बता सकता, बस यही बता सकता हूँ कि दो किस्म का उस पर रेट है, एक सस्ती है, जबकि वो भी नहीं सस्ती है। एक रुपये की दवा 20 रुपये में बिक रही है, और हमारी जो है वो 10 रुपये की दवा होती है तो हम 11 रुपये की बेचते हैं, जिसको इथिकल कहते हैं, और जेनरिक जो है 1 रुपये की दवा 10 रुपये में बिक रही है।
गाजीपुर मरदहत चित्र के वर्तमान जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार राजभर आज दिन शनिवार को देर शाम में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार ग्राम सभा के लोगों ने वोट मांगने के दौरान भाग देने के मामला प्रकाश में आया है। भगा देने का जिसमे प्राप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिल रही है कि मरदहत तृतीय क्षेत्र में जिला पंचायत रही धर्मेंद्र कुमार राजभर की पत्नी कंचन राजभर भावी जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी है। चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने जनता से अपील किया तो बिहार ग्राम सभी की जनता ने कहा कि पिछले 5 सालों से अपना जनता के लिए क्या किया है और आप समाज में अन्य बिरादरी के लोगों को अपशब्द कहने का काम किया है, इसलिए हम सब लोग आपको वोट नहीं देने का काम करेंगे। तथा यही कि जनता ने कहा कि हम सब लोग आप वोट भावी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी संजय यादव को करेंगे, पूरा ग्राम सभा वोट करने का काम करेंगे। इस मामले की जानकारी होने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा बात नहीं था, हम लोग पागल आदमी कहे भी थे। संभवतः हमको भी याद है कि कुछ लोगों के द्वारा सुनने को आया, बीरबलपुर में भी आपने कहा था कि नहीं, और भी संभवतः कुछ देर बाद जैसे आपने ये शब्द कहा था कि नहीं, राजपूतों के परिवार की जो लड़कियाँ हैं वो हरिजन के लड़कों द्वारा क्यों नहीं शादी किया जा सकता है। अगर हरिजन के लड़के जो हैं वो अगर आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, करते ही हैं। जितने आईएएस चमार बिरादरी के हैं, मैं समझता हूं कि शायद क्यों शायद चमार बिरादरी से शादी कई लोग। जितने आईएएस की लिस्ट उठा के देखिए, हमसे पूछ रहे थे कि हाँ चचा गोर लगला वाला आशीर्वाद भी दिए उनको, लेकिन धर्मेंद्र आप बहुत गलत शब्द बोले हैं। 5 साल में एक बार नहीं दिखाई दिए, अब बरसाती में उतर नहीं, पूरा ऊपर हो गए, कितना प्रत्याशी आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप गलत शब्द बोले हैं। जातिवाद का क्या जज्ब है कि आप ठाकुर की लड़की से शादी कर लीजिए, ये कोई मुद्दा है क्या? है मामला क्या, कौन आया था धर्मेंद्र? ये कौन है? जिला पंचायत के सदस्य हैं धर्मेंद्र राजभर। यहाँ क्या करने के लिए आए थे? वोट मांगने के लिए आए थे। तो यहाँ की जनता ने क्या किया? वही कहा कि भाग गए, यहाँ से कह करके चले गए। क्या औकात है? औकात भी देख रहे थे, औकात देख लेंगे वो, क्या दिक्कत है, क्या कर सकते हैं हमको, जेल में डालेंगे। यहाँ से बिहारा से संजय यादव जिंदाबाद कहिए, नारा लगवा दू संजय यादव का। संजय यादव जिंदाबाद। बोला मोबाइल चुराने का आरोप लगाकर जनपद बहराइच में एक मालिक ने अपने नौकर को ऐसी तालीबानी सजा दी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अस्पताल के बेड पर पड़े नाबालिग युवक का आरोप है कि उसके मालिक ने उसे नंगा करके प्लास्टिक के केबल से मारा, यही नहीं अभद्र गालियों का प्रयोग कर मालिक द्वारा नौकर के सर को दीवान में कई बार लड़ाया गया है जिससे उसके सर में भी चोट आई है। नौकर का यह भी आरोप है कि उंगली के नाखून खींचने के इरादे से उसकी उंगलियों को भी फोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि शेरखा नाम का नाबालिग युवक मोटरसाइकिल की दुकान पर काम कर रहा था, इसी बीच दुकान मालिक का मोबाइल दुकान में कहीं गायब हो गया, जिसके बाद दुकान मालिक पुलिस का सहारा लेते हुए खुद ही जल्लाद बन बैठा और अपने नौकर को कमरे में बंद कर पीटना शुरू कर दिया। नौकर के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह से उसे कमरे से बाहर निकलवाया और उसे बचाया, नौकर के घर वालों को सूचना दी। फिलहाल युवक घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों का कहना है कि युवक के शरीर पर काफी छोटे जख्म है जिसका इलाज किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अपने नाबालिग नौकर को जल्लाद की तरह पीटने वाले तालिबानी सजा देने वाले मालिक पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। चुन्नी है और मेरा लड़का है शेर खान, और इसको अस्पताल ने काम दिया, ये मोटरसाइकिल खोलने लगा, उसके बाद में इसको मोबाइल दिया कि इसको जाइए मेरे अलमारी में रखी आइए, ये लड़का गया मेरा अलमारी में रख के आया, उसके बाद में ये मोटरसाइकिल का सफाई करने लगा, उसके बाद में वो आया कई मोबाइल कहाँ, और 4 बच्चे और थे उसके साथ में उसके काम पे, तो इससे पूछा कि मोबाइल क्या हुआ, तो कहें भाईजान हम वही अलमारी में रखे आ रहे हैं, उसके बाद में ये इसको बुलाया कमरे में, बस मोबाइल कहाँ कहीं यहीं रख दिया था भाईजान, हमको नहीं पता है, बस इसका कपड़ा उतारा बनियाइन और पैंट, इसको केबिल से और सर पे अद्धा मारा और पैर से और तार से इसको बहुत बुरा हाल मारा, ये बेहोश हो गया, इसके सर पे पानी मुँह पे पानी डाला, फिर बेहोश आया, इसको फिर कहने लगा कि भाग, वो ये भागता रहता, वो खेत मारता रहता फिर ला के कमरे में शटर में बंद करके और फिर मार दिया। तो उसमें मैं एक लड़का गया मेरे से
बताया, मैं घर आया, भाग के तब देखा ये वो बेहोश पड़ा। कितनी देर तक मारते रहे इसको? इतनी देर तक मारते रहे, और जब हम लोग पहुँचे तब ये भाग के आए थाने में, हाजिर हो गए। हुई एक बच्चे की, वही लगभग 14-15 साल का है, और बता रहा है कि उस जिस दुकान पे काम करता था उसके दुकान के मालिक ने उसको मारा पीटा है, काफ़ी चोट है उसके शरीर में, भर्ती कर दिया है हमने, काफ़ी प्राथमिक उपचार कर दिया है, ठीक है, चोटें काफ़ी है उसको। क्या हुआ बेटा? मारा। काहे के लिए मारा गया, क्या हुआ? मैं पूरी बात बताओ। मैंने फोन रखा, बोला कि जब फोन रख किया, मैंने फोन रख किया और उनने फोन ले लगा, तो थोड़ी देर बाद बोला फोन डाल ले गया, तब उन्होंने बोला कि फोन उठा लिया बेटा, और उठा ले गया, फिर वहाँ पर जाके देखा अगर नहीं है फोन, फिर उसने बहुत मारा, पाइप से, लाश से, पेचकस से, ईटा से, बहुत मारा। कितनी देर तक उनको मारते रहे? दो घंटा। किस किस चीज से मारा है? पायल से, केबल से, पेचकस से, प्लास से। तुम्हारा गुना क्या था जो इस चीज से मार रहे तुमको? पेचकस से, प्लास से, गन्ने से, ईटा से सर पर मार दिया, चोरी के साथ। मोबाइल की, शटर में बंद करके बहुत मारी, शटर में बंद करके बहुत मारी। कितनी देर तक मारते रहे? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।